जी मैडम, आपने बुलाया? मैंने आपसे कितनी देर पहले यहाँ आने का निवेदन किया था, अगली बार से ऐसी देरी नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। सुनिए, मुझे आपसे विशेष कार्य है। ऐसा कीजिएगा, मैम ये वो जो पेपर्स हैं जो आपने मंगवाए थे, और क्या आपको ये समझाना होगा कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जो कार्य आपको कहा है वो कीजिए। जी मैडम। चाहिए मैम, एक्चुअली ऋषभ सर की एब्सेंस में उनकी क्लासेस मैं ही ले रही हूँ, तो ये उनकी क्लास के पेपर्स हैं, आपको सबमिट करने थे। हाँ मैं पहलवान जी, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो आपको कहना ही भूल गई। आपकी माताजी बहुत ही सरल और प्यारी इंसान है, कुछ देर के लिए ही सही, मगर उनसे बात करते ही मैं समझ गई कि उनका स्वभाव बहुत ही सादा और सरल है। थैंक यू मैम। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी कक्षा में जाइए। मुझे नहीं पता था कि आप प्रोफेसर विवेक समथान के बेटे हैं। मैंने तुम्हारे पिता के साथ ही अपना कार्यकाल शुरू किया था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत नाम था उनका इस विद्यालय में। आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हैं। वही आंखें, वही नाक, वही, पर आप उनकी तरह बलवान भी हैं। अच्छा, आपके हाथ में चोट लगी थी ना? कहाँ? अब ठीक है माँ। मुझे पूरा यकीन है कि प्रोफेसर विवेक समथान के बेटे उनका नाम इस विद्यालय में अवश्य रोशन करेंगे। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं पार्थ। जी मैम। एक और बात बलवान जी, अगर आपको भविष्य में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, उनसे नहीं, जो आपकी परेशानी का हल ना ढूंढ सके। ओके मैम। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। गुड, बहुत फास्ट रिकवर कर रहे हो तुम, बहुत ही जल्द एकदम परफेक्ट हो जाओगे तुम, बट बी केयरफुल विथ योर हैंड। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ये बेल्ट नेक्स्ट 24 आवर्स तक पहने रहना, आराम मिलेगा इससे। ओके सर। टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से उत्कर्ष की हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट है। ये तो मेरा फर्ज है। एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैम अब तो काफी बेटर है, अब तो दर्द भी बहुत कम हो गया। ये डॉक्टर अंकल काफी अच्छे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर लगते हैं। यस ही इज, देहरादून के वन ऑफ द फेमस डॉक्टर्स में से एक है। एंड डोंट फॉरगेट तुम वॉरियर हाई में हो। वॉरियर हाई में हम अपनी स्टूडेंट्स की हेल्थ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। वो तो है मैम, मैं यहाँ पे हूँ तो इतने अच्छे से इलाज हो गया। मैं अपने ऑर्फिनेज में होता तो वहीं पास में ना एक डॉक्टर कोठारी की डिस्पेंसरी थी, तो हम लोग जब भी बीमार होते थे हमें वहीं पे लेके जाया जाता था। और
और वो कुछ अजीब सी रंगीन गोलियां देते थे जिन्हें आज खाओ तो परसों जाके दर्द ठीक होता था। ये तो काफी अच्छा है। I hope it's not painful for you. No, ma'am. तुम सेंट मैरीज के ऑर्फनेज से आए हो ना? Yes, ma'am. तुम्हें याद है वहां तुम्हें कौन लेकर आया था? मैम वो तो मुझे नहीं याद, लेकिन मैम मदर सुपीरियर ने बताया था कि जब मैं 2 साल का था मैं तब से वहां पर। मैम शायद सियाली को पता होगा क्योंकि मैं और सियाली साथ में सेंट मेरीज आए थे और वो मुझसे 1 साल बड़ी भी है और इंटेलिजेंट भी, उसे सब कुछ हमेशा याद रहता है। मैम मैं जाऊं मेरी क्लास छूट जाएगी। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू मैम। इतनी छोटी उम्र में उससे क्या याद रहा होगा।